Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the band. Legacies. So hey, welcome back to the channel. Welcome back to the another vlog. और क्या हाल है दोस्तों आप सभी के? आज जो है ना भाई टाइटल ले के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं आया किस लिए हूँ यूट्यूब पे. स्पेसिफिकेशन बताने, राइड्स करने, मेरे को राइड्स बहुत पसंद है. मेरा नाम आशीष है भाई, मेरे चैनल का नाम आशीष जोन है. आप आशीष जोन देख रहे हैं और भाई वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना. चैनल पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना वीडियो को और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा और आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बताना. आपसे हाथ जुड़ के विनती है. बाकी जो लास्ट वीडियो में मेरे को रिस्पांस मिला ना बांग्लादेश वालों से, एंड वन सब्सक्राइबर फ्रॉम डायमंड दीव, तो काफ़ी अच्छा लगा यार कि आप सपोर्ट करते हैं मेरे को. बांग्लादेश से थे कुछ लोग और काफ़ी वीडियो जो है हाई ट्रेंडिंग जा रही है, काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं. तो थैंक यू भाई उस चीज़ के लिए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है. जो मैंने आपको, आई होप कि जो मैंने आपको वीडियो बताई वो आपको काफ़ी समझ आई होगी, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस करते हुए मैंने आपको वो चीज़ बताई और मैं गलत नहीं बताऊँगा. जो चीज़ गलत है वो गलत बताऊँगा. मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में भी बताया था, जब मैंने ट्यूसडे वाली वीडियो डाली थी कि मैं ट्यूसडे को हर कहाँ जाता हूँ, आप मेरे ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ देख लीजिएगा. बाकी आज जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. तो हमारे पास ये बाइक खड़ी है, सुपर स्प्लेंडर बाइक है. एक डिमांड आई थी एक भाई की, कमेंट आया था गुड़गांव से कि भाई सुपर स्प्लेंडर का ना एक बार व्लॉग बनाया जाए पूरा सा, ठीक है. तो ये हमारे पास सुपर स्प्लेंडर बाइक है, देख लीजिए आप एक बार. वॉक अराउंड दे देते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ इसका कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है, कैसे है, क्या है, कितने की पड़ी मेरे को. मेरी एक्चुअल में मेरे फ्रेंड की है, तो घर में ही मान लीजिए कि हमारे घर में ही ये बाइक थी. तो ये 6 to 7 मंथ्स ओल्ड बाइक है और इसकी स्पेसिफिकेशन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको और ओवरव्यू भी दूंगा और मेरा ओनरशिप रिव्यू क्या रहा वो भी बताऊंगा आपको. तो वीडियो शुरू करते हैं. आई होप आपने वॉक अराउंड वीडियो देख ही लिया होगा इसका. तो स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ पहले. बाइक ऑन है ये, ठीक है. बाइक ऑन कर चुका हूँ मैं. तो फ्रंट लुक देख लेते हैं. फ्रंट लुक बाइक का ऐसा आता है, हीरो की ये बाइक है, देख लीजिए. हीरो की यहाँ ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको. हेडलाइट पे आ जाते हैं, तो हेडलाइट हमारे पास नॉर्मल मिलती है, कोई पायलट लैंप्स नहीं मिलते हैं इसके अंदर. ये नॉर्मल दे रखे हैं, ठीक है. इसमें लैंप्स नहीं है, ये हेलोजन लैंप दे रखे हैं आपको हेडलाइट के लिए. ये नॉर्मल आपको वाइज़र मिल जाता है, काफ़ी वाइड जो है इसका वाइज़र दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर नॉर्मल आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं. मैंने बताया था कि जैसे कि ये देखिए, मैं इंडिकेटर जला के दिखा देता हूँ, ठीक है. तो ये नॉर्मल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जैसा पुराने वाली स्प्लेंडर में आता था, सुपर स्प्लेंडर में, वैसा ही ये है. ये इंडिकेटर यहाँ का जल गया, ठीक है. बाकी नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो नीचे आपको मरगार्ड दिखा देता हूँ. तो मरगार्ड जो है नॉर्मल ठीक दिया हुआ है मेरे हिसाब से, जो जैसे ऑन एन एवरेज बाइक्स में आना चाहिए वैसा दिया हुआ है. शॉकर्स भी इस पर, सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छे हैं, हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हुए हैं इन्होंने. यहाँ पर जो है ना नंबर प्लेट थोड़ी सी अंदर दी हुई है, तो मेरे हिसाब से अगर दूर से देखा जाए तो इसकी विजिबिलिटी जो है नंबर प्लेट की वो काफ़ी कम है. तो ये स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई. फ्रंट लुक जो है ऐसा दिखता है, नंबर प्लेट का मैंने आपको बता दिया है. बाकी ये जो वेरिएंट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, देख भी सकते हो आप, तो दिख रहा होगा. ये ड्रम वेरिएंट है, इसमें डिस्क नहीं आता, ठीक है. आता भी होगा तो भाई सर्च कर लेना, मैंने इतना ज़्यादा सर्च नहीं करा है, मैं साफ बता देता हूँ आपको. ये ड्रम वाला है, सिंगल कॉम्बी ब्रेक, मीन्स IBS सिस्टम नहीं है. IBS मीन्स द इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम. अगर फ्रंट वाला मारते हैं तो पीछे आगे वाला दोनों ब्रेक लगते हैं, रियर वाला भी और फ्रंट वाला दोनों ब्रेक लगते हैं. ये वाला इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, इसमें सिंगल है, ठीक है. आफ्टर दैट आपको नॉर्मल सा लेग गार्ड मिल जाता है इसमें आपको. और अगर मीटर पे आते हैं यहाँ पे, तो मीटर पे देख लीजिए आपको यहाँ न्यूट्रल का साइन मिल जाता है. अगर मैं यहाँ साइड स्टैंड लगाता हूँ थोड़ा सा, तो आपको साइड स्टैंड का भी यहाँ पर मार्क दिख जाएगा. काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है इसकी. लेफ्ट साइड इंडिकेटर देते हैं, लेफ्ट साइड, राइट, ये थोड़ा सा है. यहाँ पर मीटर, एनालॉग मीटर मिलता है, डिजिटल मीटर इसमें नहीं है. यहाँ पर आपको IBS सिस्टम मिल जाता है और नॉर्मल से आपको यहाँ पर विजिबिलिटी वाले आपको ये मिल जाते हैं साइड मिरर्स, ठीक है. तो देख सकते हैं आपने आगे देख लिए. बाकी नॉर्मल आपको क्लच वगैरह, नॉर्मल लीवर्स मिलते हैं इसमें आपको. बाकी इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर आप फ्यूल का मिल जाता है आपको. यहाँ पर मीटर, एनालॉग मीटर में फ्यूल का दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप. यहाँ पर एनालॉग मीटर में फ्यूल का दिया हुआ है इंडिकेशन कि फ्यूल कितना है कितना नहीं. जब और साथ ही साथ इसमें टैंक के ऊपर बात आती है. टैंक जो है वो पूरा मेटल का है और इस टैंक की जो कैपेसिटी है ना दोस्तों, वो 13 लीटर की कैपेसिटी आती है, जो कि काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है इस बाइक में, ठीक है. तो काफ़ी अच्छा है. इसके गेयर्स जो है वो सारे पीछे हैं, फोर स्ट्रोक इंजन है ये, आपको पता ही होगा. इसका इंजन जो है वो 125 सीसी का इंजन आता है इसके अंदर, ठीक है. काफ़ी अच्छी बात है इसके अंदर, जो काफ़ी कम प्राइस में जो है इसकी
125 सीसी का इंजन इसमें आ रहा है। ये बाइक मेरे को कितने की पड़ी थी, कितने की नहीं, ये जो बाइक है वो मेरे को टोटल पड़ी थी 70,000 विद 5 ईयर इंश्योरेंस। तो ये देख लीजिए 70,000 के अंदर ये बाइक मिल जाती है आपको, सुपर स्प्लेंडर इज़ द गुड इनफ बाइक। एंड थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे तो नॉर्मल सा आपको इंजन मिल जाता है 125 सीसी का। यहाँ पर नॉर्मल सा आपको लेटा हुआ इंजन मिलता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर इसमें आपको लेटा हुआ इंजन मिलता है। आफ्टर दैट इसमें यूटिलिटी बॉक्स मिलता है। यूटिलिटी बॉक्स क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने खोला यहाँ से यूटिलिटी बॉक्स। आफ्टर दैट यहाँ से जो है ये केसिंग खोली, इसमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा हीरो की थोड़ी सी फर्स्ट एड किट मिल जाती है आपको। ये हीरो की फर्स्ट एड किट है, कुछ टूल बॉक्स मिल जाते हैं आपको यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉर्मल साइलेंसर मिल जाता है जो कि पुराने सुपर स्प्लेंडर बाइक में आता ही था। पीछे आ जाता है थोड़ा सा तो इसके अंदर नॉर्मल से इंडिकेटर मैंने आपको बता ही दिया है। ये देख लीजिए इसमें आपको नॉर्मल टेल लाइट मिल जाती है, ये मैं जला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, दिखी होगी आपको तो 70,000 में नॉर्मल आपको टेल लाइट मिल जाती है। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा नंबर प्लेट का मिल ही जाता है। यहाँ पर आपको साइड जो है ये सेफ्टी के लिए मिल जाता है कि लेडीज़ के लिए। बाकी ऊपर आते हैं थोड़ा सा इसमें अगर, बाकी इसमें जो है आपकी सीट दिखा देता हूँ एक बार, बाइक की एक बार सीट दिखा दो यार, एक बार सीट का रिव्यू कर दो। इसमें जो है फ्रंट सीट तो आपकी नॉर्मल आई जाती है, बाकी पिलियन सीट जो है वो भी नॉर्मल आती है, मींस जो ड्राइविंग सीट है उसके बराबर ही है, हल्की सी ऊपर आ जाती है आपको। इसमें जो है ना ये पिलियन सीट जो है इसमें इस बाइक में क्यों खास है, क्योंकि ये बाइक जो है ना डेली यूज़ की बाइक होती है और इसमें जो है लेडीज़ जो है कम्फर्टेबल बैठती है। जबकि कंपेयर करें हम इसमें R15 से या फिर और किसी बाइक से जो पीछे वाला फ्लोर जो है पहली मंजिल पे बंदा बैठता है तो उससे बेटर है कि ये वाली बाइक में ये सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी लेडीज़ के लिए। बाकी इधर आ जाते हैं ड्राइविंग सीट पे। अगर हम ड्राइविंग सीट पे इमरजेंसी ब्रेक मारते हैं तो यहाँ से फ्रंट से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर ब्रेक मारे जाएंगे तो बंदा ना यहाँ से स्लाइड होकर यूज आएगा, अब आपका प्राइवेट पार्ट अगेन बच जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पुराने वाली वीडियो में बताया था ना, वैसे ही इसमें है सेम। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ हीरो वालों ने, काफ़ी कुछ सोच के ना, जो प्राइवेट पार्ट है उसको सोच के, इसकी सेफ्टी के पे टैंक जो है ना ही ज़्यादा ऊपर है जैसे बाइक्स में आता है, तो काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ। हीरो वाले जो हैं वो एवरेज बाइक निकालते हैं भाई, इस चीज़ को ना स्पोर्ट्स बाइक से कंपेयर मत करना, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक जो है ना वो रेसिंग के लिए बनी होती है, ठीक है। बाकी आगे आ जाते, मैं एक एग्जांपल दिया था, वो जो R15 का एग्जांपल दिया था मैंने, मैं यूँ नहीं कहा था कि वो बाइक बुरी है या अच्छी है, भाई सब चीज़ अच्छी है लेकिन हर अलग अलग सिचुएशन के लिए बनी हुई है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते तो फ्यूल इंडिकेशन मिल जाता है, यहाँ पर आपको ये साइड स्टैंड मिल जाता है बाइक का, डबल स्टैंड आपको दिया ही हुआ है। ये थोड़ा सा सेफ्टी के लिए है कि जैसे लेडीज़ अगर बैठती हैं तो मीन साड़ी या कुछ भी वो अंदर टायर में ना चले जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट, मैंने अपने आंखों सामने ऐसा इंसिडेंट देखा हुआ है कि साड़ी वगैरह पीछे वाले टायर में फंस जाने से जो है उनकी डेथ हो गई है, मेरे सामने की बात है। तो भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आपसे। दो चीज़ और रही है हमारे पास, जो क्या है, सबसे पहली बात इसमें बाइक में अलॉय दिए हुए हैं, फ्रंट टायर में भी आगे पीछे दोनों टायरों में जो है अलॉयज दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, काफ़ी अच्छे अलॉय हैं। साथ ही साथ इसके मैं टायर की विड्थ बता देता हूँ, ये फ्रंट और रियर दोनों टायर्स में जो है 18 इंच के टायर दिए हुए हैं, जबकि मेरे हिसाब से जो है टायर्स जो है आगे वाला 18 इंच का चलता है लेकिन पीछे वाला एटलीस्ट 19 इंच का उनको देना चाहिए था, क्योंकि पीछे वाला टायर जो है वो चौड़ा होगा तो काफ़ी ग्रिप ज़्यादा अच्छी बनती है मेरे हिसाब से। इसमें जो है ना हॉर्न नॉर्मल से दिया हुआ है, हीरो का हॉर्न है, सिंपल सा आप साउंड सुन लीजिए, ठीक है। तो भाई मैं आपको ना इसको इग्निशन एक बार ना स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि इग्निशन की साउंड कैसे आती है। तो सबसे अच्छी बात है सिंगल सेल्फ स्टार्ट है नॉर्मल, बाकी एक बार साइलेंसर के पास जाकर तो इग्निशन के आपने साउंड सुन ही लिए। बाकी यहाँ पर थोड़ा ग्राफिक्स देख लीजिए, आपको ग्राफिक्स पसंद आएंगे या नहीं ये तो आपके ऊपर चॉइस है। ये रेड वेरिएंट था बाइक का, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। जैसे भी मेरे को पता था, जैसे भी मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने आपसे शेयर कर दिया और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई वीडियो तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और भाई शेयर तो ज़रूर करना है। मेरा साइनिंग ऑफ वाला जो स्लोगन है वो क्या था, मेहनत मेरी रहमत उसकी और प्यार आप सभी का। तो इसी के साथ जो है ब्लॉग को एंड करते हैं, बाइक काफ़ी अच्छी लगी होगी तो फटाफट से वीडियो को जाके शेयर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर,
Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Tinted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the bandit.